बचपन में मम्मा ने कहा था कि दाल खाओ शक्ति मिलेगी और पापा ने बोला स्पिनेच खाओ शक्ति मिलेगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और पालक को मिक्स करके दाल पालक, डबल शक्ति। तो अगर आपको ऐसी ही शक्ति से भरी हुई और प्रोटीन से भरी हुई रेसिपी और चाहिए तो मेघनाज फूड मैजिक जरूर सब्सक्राइब करें और पूरी शक्ति लगा के बेल आइकन भी दबाए। तो शुरू करते हैं बनाना दाल पालक। सबसे पहले मैं एक पैन को गरम करती हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे तेल, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा। मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली हुई है जिसको मैंने पहले से ही प्री बॉइल करके रखा है, बस ज़रा सी हल्दी डाली है, मैंने नमक नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने पालक को बहुत बारीक काटा हुआ है और इसको वॉश करके रखा हुआ है। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फाइनली चॉप गार्लिक। सिंस हम दाल बना रहे हैं, गार्लिक को मैं हल्का सा ब्राउन होने तक कुक करूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं और दाल के अंदर हींग का जो छोंक लगता है ना, उसकी अरोमा बहुत अच्छी आती है, तो मुझे वो बड़ी पसंद है। तो मैं इसके अंदर हींग भी डाल रही हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक इट, इट्स ओके, यू कैन अवॉइड दिस ऑल्सो। सो ये गई हींग, और नमक डाल देते हैं, और मेरे पास यहाँ पे साबुत रेड चिली है, वो मैं डाल देती हूँ। चिली पाउडर नहीं डालेंगे, पर मैंने साबुत चिली डाली है। और अब बारी है दाल डालने की। हम लेंगे और हल्के से पोर कर देंगे एंड नाइस मिक्स। और ये दाल को मैं थोड़ी देर ढक के पकने दूंगी, बस एक बॉईल आ जाए और उसके बाद मैं इसके अंदर पालक डालूंगी, बिकॉज़ मुझे पालक का वो नाइस दैट लवली ग्रीन कलर जो है ना, वो मुझे इंटैक्ट रखना है। आई डोंट वांट कि वो फीका पड़ जाए, तो लास्ट में डालेंगे। और पालक वैसे पक भी बहुत जल्दी जाती है, तो इसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे एक उबाल आने तक। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है एंड दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि इसके अंदर मैं पालक डाल दूँ। सो ये गया पालक अंदर, और उसको भी मिक्स कर देते हैं। सी दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि लास्ट में अगर पालक डालेंगे तो वो ग्रीन कलर बहुत अच्छे से रिटेन करेगा। सो इट्स लुकिंग सो गुड एंड लवली एंड कलरफुल के येलो दाल है, ग्रीन कलर की पालक अंदर है, और जो हमने साबुत मिर्ची डाली थी उसका रेड कलर कहीं कहीं पे दिख रहा है। सो ये बिल्कुल रेडी है और पालक को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इनफैक्ट जब दाल गर्म होती है, जब आपने पालक बहुत ही थिन कट करी हुई है, तो वो फटाक से पक जाती है। इनफैक्ट पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। चलिए निकालते हैं इसको सर्विंग बोल में। दिस इज़ लुकिंग सो गुड, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। लुक एट द कलर, सो प्रिटी, और ये बहुत ही हेल्दी है। मैंने इसके ऊपर वो डबल तड़का जो लगाते हैं कि पहले एक तड़का लगाया, ऊपर से तड़का ड्रिजल किया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। आई हैव जस्ट केप्ट इट सो नाइस एंड हेल्दी एंड द लास्ट चिली ऑन द टॉप। सो प्रोटीन से भरी हुई दाल विथ पालक इज़ रेडी।